वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, मूवीज़ वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, विंटर सीज़न स्पेशल मिक्स वेजिटेबल अचार। विंटर सीज़न जो है, इसमें सभी तरीके की वेजिटेबल्स जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस भी कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन थ्रू आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ले लिया दो मूली, साथ ही दो गाजर और यहाँ पर कुछ लहसुन की फलियाँ। साथ ही यहाँ पर ऐड किया है मैंने अदरक और हरी मिर्च लिया है। गोभी जो है ऑप्शनल है, आप अगर गोभी को ऐड करना चाहते हो, मटर ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। साथ ही जो है हम इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इनको जालीदार बर्तन में रखेंगे और हरी मिर्च की जो डंडियाँ है हमें सारा तोड़ के फेंक देना है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गाजर और मूली दोनों को अच्छी तरीके से छील लिया है। फिर यहाँ पे हरी मिर्च की डंडियों को वो हटा दिया था। फिर यहाँ पे लिया था मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ, जिनको अलग कर लिया था और फिर अच्छी तरीके से छील लिया। यहाँ पे लिया अदरक का छोटा सा स्लाइसेस, जिसको अच्छी तरीके से छील लिया। सारी वेजिटेबल्स को एक एक करके हम इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। हरी मिर्च को जो है हमें बीच में से कट करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने सारी वेजिटेबल्स को स्लाइसेस में कट, हाथों में मिर्च ना लगे इसलिए आप इसको सीजर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं या फिर हाथों में ऑयल लगा के भी कर सकते हैं। इससे जो है आपके हाथों में मिर्च नहीं लगेगी। बाकी आप देख सकते हैं इधर मैंने मूली को भी स्लाइसेस में कट कर लिया इस तरीके के। साथ ही अदरक को मैंने अच्छे तरीके से छीलने के बाद ऐसे स्लाइसेस कर लिया था, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया जिसमें ऐड किया है गाजर, साथ ही इसमें ऐड किया है मूली। फिर हमें ऐड करना है इसमें हरी मिर्च। इसके बाद ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है गोभी के स्लाइसेस। फिर जो है हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिया था अदरक, जिनको हम अच्छी तरीके से पहले कूच लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धूप लगाने के बाद ही इसमें ऐड किया, जैसे हमारे सारे वेजिटेबल्स सूख गए थे, इस पर ऐड करना है नमक। नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। फिर इधर देखिए, हमने यहाँ पे लिया है कुछ इन्ग्रीडियंट्स, जिसमें सौंफ है, मेथी के दाने हैं, सरसों या राय दोनों में से आप एक ऐड कर सकते हैं। जो इधर लिया है अजवाइन। ये सारे मसाले आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अचार की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया गया और ये आपके अचार को बहुत ही स्वादगार बना देगा। तो आप लोग एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने गैस ऑन किया, साथ ही यहाँ पे एक पैन चढ़ाया है। इसमें जो है हमने ऐड कर दिया है सरसों के दाने। सरसों के दाने को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जो है भूनना है, ताकि जो है इसमें कच्चापन ना रह जाए, अचार के स्वाद में कच्चापन ना रह जाए। इसलिए इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से भूनना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। फिर जो है हमने जितने भी लिए थे सौंफी, मेथी के दाने और यहाँ पे अजवाइन, इन सबको अच्छी तरीके से भून लेना है इस तरीके से। जब भी हमारा रेड ब्राउन हो जाए तब हमें इस तरीके से निकाल लेना है। फिर हमको इनको ठंडा होने के लिए रखना है। अब जो है हम इसको, आप चाहो तो सिलबट्टे या फिर मिक्सी के थ्रू आप इसे पीस सकते हैं। इसे मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं आप। इस तरीके से जो है इसका इन्ग्रीडियंट्स हमने जो पीसा है वो इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको अचार में ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे चारों तरफ से, ताकि जो हमारे जितने भी मसाले हैं ये सारे अचार में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके अचार डिलीशियस लुकिंग, डिलीशियस दिखने में लगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हो। साथ ही जो है आपको यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों का तेल ऐड करने से पहले आपको सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करना है। फिर उसके बाद ठंडे करने के बाद आप ऐड करें। फिर यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बॉक्स, जिसमें मैंने सारे अचार को ऐड डाल दिया है इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज का जो अचार है वो बनकर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मिक्स वेजिटेबल अचार कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी ज़रूर बताएं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।